नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, लोक भारती द्वारा राजधानी भोपाल के इमलिया गांव में पूर्णकालिक कार्यकर्ता एवं राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख श्री कृष्ण चौधरी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी जी के नेतृत्व में एक बैठक रखी गई, जिसमें उन्होंने गौ आधारित कृषि पर चर्चा की। गौ आधारित कृषि से किसानों को कितना फायदा और ये खेती कैसे की जाती है, इस पर चिंतन मनन किया गया। लोक भारती के पूर्णकालिक कार्यकर्ता श्री कृष्ण चौधरी ने बताया कि इमलिया गांव में जो किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उन्होंने अपने अनुभवों को दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा किए। बैठक में किसानों ने तय किया कि रबी फसल खेत में खड़ी हुई है, चना है, गेहूं है और कई प्रकार की सब्जियां हैं, उसको देखने के लिए उनके खेत में देखेंगे, जिससे किसान प्रेरणा लेकर अपने खेत में प्राकृतिक खेती करेगा। उन्होंने बताया कि मार्च में 5 दिन का कार्यक्रम तय किया गया है। यह कार्यक्रम होशंगाबाद, इंदौर, नरसिंहपुर, जबलपुर क्षेत्र, यहाँ पर लोक भारती से जुड़े लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इमलिया में आज बैठक रखी गई थी लोक भारती के संदर्भ में, क्या कुछ जानकारियाँ और क्या विचार हुए? आज लोक भारती की बैठक में लोक भारती के कुछ कार्यकर्ता शामिल रहे, जिसमें यहाँ के अखिल भारतीय इकाई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी जी और वो प्राकृतिक खेती कर रहे ऐसे सफल मॉडल किसान जो है उसमें शामिल है। उन्होंने अपने अनुभवों को दूसरे उपस्थित प्रगतिशील किसानों के साथ साझा किया। उसमें किसानों ने तय किया कि अभी रबी फसल जो उनके खेत में खड़ी हुई है, चना है, गेहूं है और कई प्रकार की सब्जियां हैं, मटर का है, उसको देखने के लिए उनके खेत में जाएंगे, देखेंगे, जिससे उन किसान प्रेरणा लेकर अपने खेत पर जो है प्राकृतिक खेती को अच्छी तरीके से जो है कर सकेंगे। जो है 5 दिन का कार्यक्रम तय किया गया अगले महीने, अलग अलग स्थानों पर होशंगाबाद, इंदौर, नरसिंहपुर में, जबलपुर क्षेत्र में, यहाँ पर लोक भारती से जुड़े हुए जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं किसान जो है उन किसानों का भ्रमण कार्यक्रम, मॉडल किसानों का, और इन सभी जिलों में बैठक करके उसके बाद एक बड़ी बैठक भोपाल में प्रदेश स्तर की और उसमें आगे की कार्य योजना के लिए। 5 दिन का जो कार्य हुआ उसका जनसहयोग से होगा कि लोक भारती? जनसहयोग भी शामिल रहेगा, लोक भारती एक प्रेरक के रूप में काम करेगी। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, आर्ट ऑफ लिविंग है, पतंजलि योग पीठ है, गायत्री परिवार है, सभी लोग मिल करके जो है, इसलिए सारे लोग सकारात्मक कामों, अच्छे कामों की दिशा में सभी लोग बढ़ रहे हैं, जिस उसी में से ये काम, ये गो आधारित प्राकृतिक खेती, नदी जल पर्यावरण संरक्षण, नर्मदा से जुड़े हुए लोग भी काफ़ी हैं, उनके नज़दीकी गाँव में नर्मदा के दोनों तटवर्ती ये इस प्रकार की खेती होगी तो बरसात में पानी का जो प्रदूषण बढ़ करके नीचे आता है वो प्रदूषित होने से बचेगा। इस प्रकार से सारे लोग जो है एक मंच पर आकर के सम्मिलित प्रयास करेंगे तो उसका परिणाम तेजी से आगे आएगा। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।